हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। वीपीएन जो हैं वो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, टेररिज्म के नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं, जो ब्लास्फेमिक कंटेंट्स आते हैं वीपीएन बैन हो रहे हैं। अंदाजा है कि हाल ही में अवाम की एक फ्रस्ट्रेशन आई इंटरनेट के हवाले से, हमने देखा सोशल मीडिया पे देखा, मीडिया पे देखा कि उसकी बातें हुई। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों की यकीन दहानी ये कराना चाहूँगी कि इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की उसने वीपीएन पे ऑपरेट करना शुरू किया, तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने एक दो दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। लेकिन मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। जो सोशल मीडिया पे बातें चली, अगर इसके अलावा, और मैंने इसीलिए ये जब तक ये मामला, आज ये मामला हल हो चुका है, जब तक ये मामला हल नहीं हुआ मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करूं। हम बहरहाल दिन रात लगे रहे, हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से बात की, पूछा, मुख्तलिफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात की, और अगले हफ्ते भी मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम की गुजारिश की है उनको मिलने की, पीटीए से भी गुजारिश की है, पीटीए ने हमारा बहुत साथ दिया है सारी चीज़ में, हमने गुजारिश की है कि हम फिर से मिलके बैठें ताकि हम देखें कि हम आने वाले वक्तों में इसको यकीनी बनाएं कि इस तरह की मुश्किलात का सामना हमारे जो आम यूज़र है उसको कभी ना हो। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो कि मेरा ख्याल था कि ज़रूरी है कि मैं अवाम तक पहुँचा सकूँ, कि एक जो आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने किसी आवाज़ बंदी के लिए किसी वजह से इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतन सच्चाई नहीं थी। अब मैं अब आपको आखिरी बात पे दोबारा आ जाती हूँ। जहाँ तक आपने ये बात की है, देखिए मैंने आपको बड़े क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट की बंदिश, कोई इसको कह रहा है कि हुकूमत जो है वो उसने इंटरनेट बंद कर दिया, कोई कह रहा है कि पता नहीं गेटवेज पे क्या लगाया जा रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो रहा है। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में हर जगह पे जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो लोकल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के ज़रिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स के ज़रिए वो लोकली अवेलेबल होता है, कैशेज स्टोर होते हैं सीडीएन के अंदर। जब आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो वो आपको लोकल सीडीएन जो है वो वीडियो आप तक पहुँचाता है, मगर जब कुछ वजूहात की वजह से ये कुछ फीचर्स बंद हुए कुछ ऐप्स के, तो लोगों ने जब वीपीएन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वीपीएन जो हैं वो लोकल सीडीएन को बाईपास करके जब लाइव इंटरनेट सर्विस पे जाते हैं, अब जब बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की लाइव इंटरनेट सर्विस पे गई तो बैंडविड्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंजेशन मिली, जिसकी वजह से इंटरनेट पाकिस्तान में स्लो डाउन हुआ। ये वजह थी इंटरनेट के पाकिस्तान में स्लो डाउन होने की वजह, जो वजह बनी। इसके अलावा मैं आपको पूरे यकीन से बता सकती हूँ कि इंटरनेट को ना स्लो किया गया ना बंद किया गया। ये एक जो मुझे नहीं पता क्यों इसको एक इतना बड़ा हम एक इशू क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है, ऐसा ना कुछ होने जा रहा है, ना कोई पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कोई सर्वे कुछ किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है किसी भी सिस्टम के अंदर। रेगुलर सिस्टम अपग्रेडेशन की अगर आप बात करें वो हम ज़रूर करेंगे, जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी नेचर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, और इससे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म के नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ जो ऑनलाइन हरासमेंट होती है, पाकिस्तान में बच्चों के साथ जो ऑनलाइन मैं कहूँगी जो कहीं ग्रूमिंग हो रही है, बच्चों की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें हमारे रिलीजियस ज़रूरत है। आप खुद देखें ये जो ब्लास्फेमिक कॉन्टेंट्स आते हैं, इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान की कोई हमारी कोई सोशल कोई एथिकल कोई नॉर्म्स हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए सेफ सिक्योर इंटरनेट मैं ज़रूर कहूँगी कि हुकूमत पाकिस्तान का प्रोवाइड करना ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाम को सिक्योर रखें। ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है इसका ये कहने का बिल्कुल मकसद नहीं है, ना किसी का ये मकसद है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा या थ्रॉटल हो जाएगा या इंडस्ट्री का कोई मसला पैदा होगा।
एक अफवाह फैल गई कि वीपीएन बैन हो रहे हैं, कोई वीपीएन नहीं बैन कर रहा, बल्कि वीपीएन तो हमने व्हाइट लिस्टिंग शुरू की, पीटीए ने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि हम वीपीएन भी व्हाइट लिस्ट करेंगे। तो इस तरह की मेरे ख्याल से कि हमें मफरूजों से दूर रहना चाहिए, और फैक्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बयान कर दी हैं कि ये जो एक दो दिन की डिस्ट्रप्शन आई है वो किस वजह से आई है, उसके अराउंड जो एक पूरी मैं कहूँगी स्टोरी कायम हो गई और वो तमाम मीडिया में फैल गई, वो मेरे ख्याल से कि हुकूमत को तो उस तरह नहीं नुकसान पहुँचता, लेकिन हमारी इंडस्ट्री और बच्चों को ज़रूर नुकसान पहुँचता। मैडम दुनिया न्यूज़ से हरीन जरूर, ये बताइएगा कि एक तरफ 5G की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि VPN की वजह से लोड बढ़ गया। VPN की तरफ लोग तब चाहते हैं जब इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट नहीं चल रहा होता, इसका मतलब है कि इंटरनेट में कोई खराबी थी तो लोग VPN की तरफ गए हैं। दूसरा सवाल आपसे ये कि पाशा ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि एक महीने से ये जो इंटरनेट में प्रॉब्लम्स आ रही है इससे पाकिस्तान को 300 मिलियन का लॉस हुआ है, तो इस लॉस के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे कोलीग ने भी पहले बताया, फाइबर ने भी पाकिस्तान को में गैर फाल कर दिया फ्रीलांसर्स के लिए, तो उसके लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि जहाँ तक आप ये मैंने आपको इसलिए कहा है कि हम रिलायबल इंटरनेट और इंटरनेट की बैंडविड्थ इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, हमने लिटिगेशन से जो स्पेक्ट्रम निकाला है, ये जो सबमरीन केबल्स एडिशनल आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें इसलिए हैं ताकि रिलायबल इंटरनेट जो है वो पाकिस्तानियों को मुहैया हो सके। जब रिलायबल इंटरनेट फास्ट स्पीड इंटरनेट होगा तो ना किसी को इस तरह के इकदाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें उम्मीद है कि कोई भी शख्स जो है वो VPN के मतलब जो लीगली चीज़ें बंद हैं किसी सोशल नॉर्म्स और रिलीजियस नॉर्म्स की वजह से जो चीज़ें बंद हैं, उसके अलावा हमें उम्मीद है कि किसी को VPN इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यही मकसद है रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड करने का, इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का, फाइबराइजेशन इंश्योर करने का, ताकि जो फाइबर के ज़रिए इंटरनेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, और जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है वो उसकी नस्बत जितने लोग फाइबर इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर रिलायबल इंटरनेट जो है वो उन तक पहुँचेगा, और तमाम इंडस्ट्री तकरीबन जो है वो ऑलरेडी फाइबर ही इस्तेमाल करती है, और यही मकसद है। आपने मेरी ही बात का खुद ही जवाब दे दिया है कि हम जितना रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, जितना हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना जो है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बच्चों के लिए हम बेहतरी पैदा कर सकें। फाइबर देखिए मैं आपको फिर ये कहूँगी कि जो पाकिस्तान का डेटा है, डेटा स्टेटिस्टिक्स में आपके सामने दोबारा अगले हफ्ते हम बात कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो डेटा है ट्रैफिक है फाइबर के ऊपर वो इस पूरे अरसे में बिल्कुल मुतासर नहीं हुई। एवरेज जो और ये रिलायबल डेटा है, स्टेटिस्टिक्स डोंट लाए, स्टेटिस्टिक्स झूठ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान की जो फाइबर पे ट्रैफिक है जो जुलाई में एवरेज थी वही अगस्त में रही, जो पहली अगस्त को थी वही 14 अगस्त को रही, पाकिस्तान की ट्रैफिक फाइबर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुई। मेरा अंदाज़ा ये है कि जब सोशल मीडिया पे ये हम इंटरनेट की बात हुई तो अनअवेलेबिलिटी की जो बात हुई वो शायद जो फाइबर ने अनअवेलेबल किया, हमारा हर बच्चा उस अपने आप को अवेलेबल कर सकता था और उसने अवेलेबल किया, वो बंदिश नहीं थी। वो जब एक स्लो डाउन की खबर हुई तो प्रॉबेबली मैं फाइबर यूज़ तो नहीं करती, बट हमारे हर बच्चे ने वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड भी की और बिल्कुल एवरेज डेटा ट्रैफिक जो फाइबर की थी वो मेनटेन रही, और वो डेटा ट्रैफिक हम आपके सामने ले भी आएंगे।